बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या गाइडेंस होता है? मतलब जनरली इन जनरल अगर बात करें तो बड़ा सिंपल है। एक तो सबसे पहले जैसे आज के टाइम में जामिया का पेपर, देखिए किसी भी इंटरेस्ट मतलब किसी भी स्टूडेंट का डिमांड ये होना चाहिए सबसे पहले कि भाई अगर हम जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं इसका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर रिक्वायरमेंट का जानेंगे तो ऑब्वियसली आप मतलब एक स्टेज आप क्रॉस कर चुके हैं, आप दूसरे स्टेज पर हैं। तो उस क्या है रिक्वायरमेंट कुछ बताएं? रिक्वायरमेंट देखिए सबसे पहले तो ये कि उसके बारे में जानिए पहले। होता क्या है ना कि ठीक है पॉलिटिकल दे रहे हैं लेकिन हमें ये भी नहीं पता होता है कि उसका एलिजिबिलिटी क्या है। दूसरा एलिजिबिलिटी के साथ साथ वो लाइक कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ भूल जाइए फिलहाल तो बाद में पता चलेगा, सीट्स को लेकर, सीट्स वाला मामला, रिजर्वेशन मामला, कंपटीशन यहीं पे है, फिर इसी को समझना है। रिजर्वेशन कोई आज नया नहीं है, कोई भी स्टूडेंट्स अगर ये बात को बोलता है तो हम इसको अपने हिसाब से गलत ही मानते हैं, लेकिन रिजर्वेशन हर यूनिवर्सिटी में हर जगह पे है। तो आप इसको एक एक्सक्यूज ही लेकर चलेंगे भाई हमारे रिजर्वेशन ऐसा नहीं हुआ, या धोखे में खुद को धोखा दे रहे हैं, आप फाइट करिए और आगे आइए, ये पहला मैसेज होगा। अब रहा सवाल, क्योंकि अब इसमें क्या होता है, जामिया में पॉलिटिकल साइंस ऑन प्रोस्पेक्टस मेंशन है 42 सीट्स, उसमें 50% जो सीट्स है वो जनरल का है, 30% मुस्लिम, 10% मुस्लिम ओबीसी, 10% मुस्लिम वुमेन, हाँ। बाकी और भी है बट वो हम जामिया इंटरनल वगैरह ये वो है स्टिल उसमें है पीडब्ल्यूडी व्हाटएवर, चलिए हम उसको अभी इग्नोर नहीं कर रहे बट हम उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस हिसाब से देखा जाए तो मान ली 42 सीट्स है तो 50% 20 सीट्स जो हुआ 18 सीट हुआ किसका हो गया? जनरल को हो गया। अब जो कंपटीशन बचा 30% मुस्लिम स्टूडेंट का, यानी कि सपोज करें 15 सीट्स हैं, तो 15 सीट्स के लिए मुस्लिम स्टूडेंट एक दूसरे से फाइट कर रहा है सिर्फ 15 सीट्स के लिए। तो इस एनालिटिक को समझिए, हम ये देखते हैं हाँ भाई जामिया में है जामिया हो जाएंगे, हम तो ये चीज़ नोटिस नहीं करते ना, इसका इसी यही वजह है कम मतलब कुछ भी हो तो अपनी सीट के हिसाब से लेगा ना पहला चीज़। तो खैर ये चलिए अभी के लिए, बट अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर।